Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of antiarrhythmic drugs. अभी तक हमने इसके इंट्रोडक्शन कर लिया है, एंटीरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, क्यों देते हैं, अरिथमिया क्या है, देन क्लासिफिकेशन की हमने इन ड्रग्स की, फिर एक एक करके सब क्लासेस का हमने स्ट्रक्चर भी किए और नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस किए. इसमें हमारे पास ब्रॉडली 8 कैटेगरीज हैं, लेकिन हमने जो सिलेबस में मेंशन है उसमें से 4 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ईच ड्रग वन बाय वन. सबका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे, यूज करेंगे और जहां पे भी सिंथेसिस होगी उसके सिंथेसिस भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ड्रग हमारे पास आती है क्विनिडीन सल्फेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनिडीन सल्फेट. क्विनिडीन के केस में हमारे पास एक तो क्विनोलोन रिंग है और साथ में हमारे पास फिनाइल क्विनिक्लिडीन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. इसका नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे? 6-फेमिथॉक्सी क्विनोलाइन क्विनोलीन 4-आइल. फोर्थ पोजीशन पे अटैच्ड है क्विनोलीन, तो 4-आइल 3-विनाइल क्विनिक्लिडीन 7-आइल. इस सेवंथ पोजीशन पे जुड़ा है मिथेनोल. इस तरह से ये उसका मिथेनोल का डेरिवेटिव कहा जाएगा. देन कम्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनिडीन सल्फेट. क्विनिडीन सल्फेट क्या करता है? इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद लिपोप्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायोकार्डियम. जो हमारे मायोकार्डियम की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और उस कॉम्प्लेक्स के बनने से क्या होगा कि सोडियम चैनल की कंडक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी और सोडियम का फ्लो जो है सेल के अंदर वो हमारा कैसे होता है? पोटेशियम के रिलीज के साथ. पोटेशियम निकलता है, सोडियम जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? वीक सप्रेशन ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, रिडक्शन ऑफ रिपोलराइजेशन टाइम एंड स्लोइंग ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एक्साइटेशन. इस तरह से ये एक्ट करता है. अब आते हैं इसके यूजेस. इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन एंड कार्डियक डिसरिथमियास. नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड. प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का नॉमनक्लेचर इस तरीके से करेंगे. हम इसको बेंजामाइड का डेरिवेटिव बनाएंगे. दिस विल बी कॉल्ड पैरा अमाइनो. यहाँ पे ये बेंजामाइड है, फोर्थ पोजीशन पे लगा पैरा अमाइनो. एन एन के ऊपर हमारे पास ये है इथाइल ग्रुप लगा है और ये दो इथाइल यहाँ लगे. एन डाई इथाइल अमाइनो इथाइल बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. प्रोकेनामाइड कैसे एक्ट करता है? ये भी क्या करेगा? लिपोप्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा. मायोकार्डियम की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सोडियम चैनल की कंडक्टिविटी को ब्लॉक करेगा और उसकी वजह से सोडियम का फ्लो सेल के अंदर नहीं हो पाएगा एंड फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम मायोकार्डियल सेल. पोटेशियम का रिलीज फैसिलिटेट कराएगा जिसकी वजह से क्या होगा? सप्रेशन ऑफ डिपोलराइजेशन हो जाएगी, रिडक्शन होगी रिपोलराइजेशन टाइम में और देयर विल बी स्लोइंग ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एक्साइटेशन. फिर इसको यूज कहाँ किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन एंड कार्डियक डिसरिथमियास. थर्ड ड्रग हमारे पास आती है डाइसोपिरामाइड फॉस्फेट. ये है डाइसोपिरामाइड फॉस्फेट का स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो के ऊपर यहाँ पे प्रोपेन टू वो प्रोपेनोल प्रोपेन के दो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है. सेकंड पोजीशन से इसकी अटैचमेंट है. साथ में यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल भी है, यहाँ पे पिरिडीन भी है. तो इसको कैसे लिखेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हुए
अगर हम इसको ब्यूटेनामाइड का डेरिवेटिव बनाए 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये हमारे पास आएगा 4 पे बिस बिस, क्योंकि दो इथाइल प्रोपाइल ग्रुप्स यहाँ पे, प्रोपाइल 1 2 3 टू पोजीशन पे अटैच्ड है, तो बिस प्रोपेन 2 आइल अमाइनो, इसके लिए अमाइनो। देन 2 के ऊपर हमारे पास फिनाइल ये वाला, एंड 2 के ऊपर ही पिरिडिन 2 आइल, 1 नंबर ये 2A, 2 से ये पिरिडिन अटैच्ड है, तो पिरिडिन 2 आइल ब्यूटेनामाइड। अब इस केस में हमने पहले बिस प्रोपेन 2 आइल क्यों लिखा जबकि नंबर इसका 4 आ रहा है, हमने 2 वालों को नंबरिंग क्यों नहीं दी? बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर चलें तो बी पहले आएगा, फिनाइल का पी एच पहले आएगा, उसके बाद सबसे एंड में आएगा पिरिडिन का पी वाई। अब आता है डाइसोपिरामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डाइसोपिरामाइड क्या है? हमारे पास टाइप 1A एंटीरिथमिक ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है प्रोकेनामाइड और क्विनिडिन के जैसा ही है। ये क्या करेगा? फास्ट सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करता है और साथ के साथ डिक्रीज करता है डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन के रेट को भी, जिसकी वजह से क्या होगा, अब स्ट्रोक वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। फिर इसको यूज कहाँ करते हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज सच एज सस्टेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन एंड कार्डियक डिसरिथमियाज में। अब हमारे पास आती है डाइसोपिरामाइड की सिंथेसिस। इस केस में हम कैसे इसके सिंथेसिस करेंगे? सबसे पहले दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक लेंगे हम बेंजाइल थाइनोनाइट्राइल का और दूसरा लेंगे हम 2-ब्रोमो पिरिडीन का। इन्हें दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच करेंगे जो इसमें डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, वो अमाइनो ग्रुप था, वो इसके साथ हमने अटैच करना है। तो उसके लिए हम ये कंपाउंड लेंगे, उसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर HCl निकलेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे इसमें से। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास इस वाले ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी कार्बन की और यहाँ पे हमारे पास कीटो लग जाएगा और साथ में NH2 जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ डाइएसो पिरामाइड। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है फेनिटोइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन। इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 के ऊपर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, 2 और 4 पोजीशन पे हमारे पास 2 कीटो ग्रुप्स लगे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5-5-डाइमिथाइल फिनाइल, ये हमारे पास इमिडाजोलिन है, इमिडाजोलिडीन 2-4-डाइओन। ये एक्ट कैसे करता है? यूजुअली फेनिटोइन को हम सीजर्स में यूज करते हैं। इसको ये एक्ट कैसे करता है? इट एक्ट्स एज नॉन स्पेसिफिक सोडियम चैनल ब्लॉकर और सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के सब टाइप्स के ऊपर ये टारगेट करता है और प्रिवेंट करता है सीजर्स को बाय इनहिबिटिंग पॉजिटिव फीडबैक लूप दैट रिजल्ट्स इन न्यूरोनल प्रोपेगेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल। इसको यूज भी कहाँ कैसे करते हैं हम, ग्रैंड मल सीजर्स में या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में या सीजर्स जो न्यूरो सर्जरी के ड्यूरिंग हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है लिडोकेन। लिडोकेन हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। इसमें हम क्या, ये एक बेंजीन रिंग है और साथ में हमारे पास एसिटामाइड ग्रुप है और ये डाइथाइलमाइनो इथेन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1-2, 1 नंबर इसको देंगे क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा है।
डाई मिथाइल अमाइनो, एन के ऊपर हमारे पास क्या है, 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल एसिटामाइड। नेक्स्ट आता है लिडोगेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली इसको हम लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं। इसको ये कैसे एक्ट करता है, दिस एक्ट्स बाय नर्व ब्लॉकेड एट वेरियस साइट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करेगा, न्यूरोनल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा, बाय इनहिबिटिंग आयनिक फ्लक्सेस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। जो आयन फ्लक्स हमें चाहिए होते हैं ताकि इम्पल्स के कंडक्शन और इनिशिएशन हो सके, उसको ये स्टेबलाइज कर देगा और उनको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लोकल एनेस्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा लिडोकेन का कैसे एक्ट करता है, सोडियम आयन चैनल्स के ऊपर भी एक्ट करता है जो नर्व सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम मेनली यूज करते हैं एज एनेस्थेटिक फॉर लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है टोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। इस केस में हमारे पास एसिटामाइड ग्रुप फिर से प्रेजेंट है। इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। 2 के ऊपर हमारे पास अमाइनो लगा है, एन के ऊपर हमारे पास आगे 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल, और ये है हमारे पास प्रोपेनामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, ये क्या करेगा, परकिंजी फाइबर्स के ऊपर जो हमारे सोडियम आयन चैनल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। टोकेनाइड क्या करेगा, सोडियम आयन चैनल्स जो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हैं और उनकी सीजर एक्टिविटी को लिमिट कर देता है, साथ में सीजर की प्रोपेगेशन को भी रिड्यूस करता है, और साथ में ये क्या करता है, इट प्रेफरेंशली बाइंड्स टू द इनएक्टिव साइट स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स। देन आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज सच एज सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकी कार्डिया। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है मैक्सेलिटीन। मैक्सेलिटीन का स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3 ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। 2 के ऊपर हमारे पास अमाइनो है, 1 के ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले 2,6 डाइमिथाइल, ये है फिनॉक्सी प्रोपेन 2-अमीन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2-अमाइनो, देन 1 के ऊपर 2,6 डाइमिथाइल फिनॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन। दिस इज द नोमेनक्लेचर फॉर मैक्सेलिटीन। देन हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, सोडियम करंट के को इनहिबिट करता है, जो इनवर्ट सोडियम करंट है उसको इनहिबिट करता है। इससे क्या होगा, जो हमारे इम्पल्सिस हैं उनकी इनिशिएशन और कंडक्शन रुक जाएगी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का रेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। दस ये क्या करेगा, सोडियम करंट को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग सोडियम चैनल्स। साथ के साथ ये क्या करता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी डिक्रीज करता है, जो परकिंजी फाइबर्स के अंदर हमारा ईआरएफ रेट है उसको डिक्रीज करता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको यूज करते हैं हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड सिम्टोमेटिक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स में एंड प्रिवेंशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है लॉरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसकी अगर हम नंबरिंग देखें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2। फिर से हम इसको एसिटामाइड का डेरिवेटिव बनाएंगे। इसके ऊपर पहले ये एन है, एन के ऊपर 4-क्लोरो फिनाइल ग्रुप लगा है। इधर एन के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, पाइप्रिडीन 4-आइल प्रोपेन 2-आइल। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन 4-क्लोरो फिनाइल, देन 2 के ऊपर फिनाइल, उसके बाद यहाँ पे एन के ऊपर पहले 1 प्रोपेन 2-आइल, 1, 2, 2 पोजीशन पे प्रोपेन के साथ अटैचमेंट है तो 2-आइल पाइप्रिडीन
आइल, 1 2 3 4, फोर्थ सोल्यूशन से एडेड है, फोर आइल एसिटामाइड। अब इस केस में भी फिर से ध्यान दें, अगर फोर क्लोरो पहले लिखा, टू फिनाइल उसके बाद, और वन प्रोपेन टू आइल सबसे एंड में लिखा। क्यों लिखा? अल्फाबेटिकल चल रहे थे, सी पहले, फिर पी एच पहले और पी आर सबसे बाद में। अब आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको हम यूज करते हैं एज सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या क्या करता है? इट सप्रेसेस डिपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपोलराइजेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, साथ के साथ ऑटोमेटिज्म ऑफ साइनोएट्रियल नोड जो है वो भी सप्रेस हो जाता है। ये कैसे डिफर करता है बाकी ड्रग्स के साथ? ये कंडक्टिविटी को डिक्रीज करता है और रिफ्रैक्टरी पीरियड जो वेंट्रिकल्स का है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज एमिडारोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिडारोन। इस केस में हमारे पास यहाँ पे बेंजो पायरेनिडिन फ्यूरेनिडिन प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे डाइथाइल माइनोइथाइल भी प्रेजेंट है। तो इसके हम नंबरिंग अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे ब्यूटाइल ग्रुप है, 3 पे, यहाँ पे हमारे पास 3 के ऊपर पहले 5, और 3 डैश और 5 डैश के ऊपर 2 आयोडो ग्रुप्स लगे हैं। सो 2 ब्यूटाइल 3 के ऊपर, ये वाले 3 के ऊपर 3 डैश 5 डैश डाई आयोडो, 4 डैश 4 डैश के आगे 2 के ऊपर डाई इथाइल अमाइनो इथॉक्सी, इथॉक्सी फॉर दिस ग्रुप, बेंजोइल, ये है हमारे पास बेंजोइल बेंजो फ्यूरेन। दिस इज द नोमेनक्लेचर फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एमिडारोन। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिडारोन। अमीडारोन क्या करता है? ब्लॉक करता है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम चैनल्स को, और साथ के साथ कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है अल्फा, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है अल्फा और बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और साथ के साथ इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ईआरपी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। साथ में ईआरपी इंक्रीज कर जाएगा एट्रियल सेल्स में, एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शंस में, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में, और साथ के साथ क्या होगा, ऑटोमेटिज्म ऑफ साइनस नोड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, प्लस डिक्रीजिंग द और स्लोइंग डाउन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं इन रेकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और रेकरेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है सोटालोल। सोटालोल के केस में हमारे पास यहाँ पे एक मिथाइल सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एन के ऊपर क्या है हमारे पास? पहले फोर, ये है एन, एन के ऊपर फोर, फोर्थ पोजीशन पे पहले 1 पे हाइड्रोक्सी है, 2 के ऊपर हमारे पास प्रोपेन 2 आइल, 1 2 2 पोजीशन से प्रोपेन अटैच्ड है, प्रोपेन 2 आइल अमाइनो इथाइल फिनाइल मिथेन सल्फोनामाइड। दिस इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर सोटालोल। अब ये एक्ट कैसे करता है? सोटालोल क्या करता है? बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, और साथ के साथ ये क्या करेगा, रैपिड पोटेशियम चैनल्स को भी इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा, रिपोलराइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी और QT इंटरवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। साथ के साथ हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सोटेलोल का जो बीटा एड्रिनो रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, साइनस नोड साइकिल जो है वो लंबा हो जाता है, कंडक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा एट्रियोवेंट्रिकल नोड का, ईआरपी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज करेगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ सोटालोल।
सोटेलोल को कहाँ यूज करते हैं हम? इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में और मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल साइनस रिदम में, जिन उस केस में जहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी अरिथमिक ड्रग्स। हमने अभी तक जितने भी ड्रग्स किए उनमें से सिर्फ एक था आइसोपिरामाइड, जिसका हमारे सिलेबस में सिंथेसिस मेंशन्ड है। बाकी सबका हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है और यूजेस करने हैं। सो ब्रॉडली हमने चार क्लासेस की थी, जिसमें हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंटीरिथमिक एजेंट्स प्रेजेंट थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।